हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो TYBF वाले आप लोगों को टॉपिक है ईवी है, ओके। ईवी गाड़ी का भी नाम है, तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, राइट। तो बेसिक से एडवांस स्टार्ट करता हूँ। ये तुम्हारे लिए मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है। मान लो कंपनी के पास 1 लाख रुपया कैपिटल एम्प्लॉयड है, मतलब खुद का टोटल पैसा कितना कंपनी के पास, 1 लाख। अब वो 1 लाख डिवाइड करके दिया डेब और इक्विटी, मतलब कर्जा 1 है और इक्विटी 4 है, मतलब 1 रुपया कर्जा है, 4 रुपया इक्विटी है। अब इधर बोला कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, टैक्स रेट दिया और ईबीआईटी दिया। क्या दिया? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो कॉलेज में टीचर नो पैड पढ़ाई रहेगी ना आपको, तो आपको ईवी निकालने का, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, मतलब कंपनी की वैल्यू बढ़ी कि घटी है, प्लस में तो बढ़ी है, माइनस में तो घटी है। तो उसका फॉर्मूला नो पैड माइनस टोटल पैसा जो लगाया और उसका कॉस्ट। तो पहले नो पैड ढूंढेंगे। नो पैड मतलब नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ईबीआईटी लेंगे, क्या लेंगे? तो ईबीआईटी दिया ना, कितना दिया? 300 करोड़। कितना दिया है? 300। तो करोड़ को ऊपर डाल देता, इधर लिख देता 300। तो ईबीआईटी से क्या माइनस करने का? टैक्स। तो क्वेश्चन में टैक्स दिया रहेगा, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है? क्वेश्चन ये बोर्ड पेपर का, ये घर से नहीं लाया मैंने। तो टैक्स रेट 35% दिया, कितना दिया? तो अपन क्या निकालेंगे? 35% टैक्स निकालेंगे। तो 300 के ऊपर 35% टैक्स, दैट इज 105। टैक्स देना पड़ता है तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे ना, अपने को मिलेगा 195। कितना मिलेगा? तो 195 तुम्हारा क्या हो गया? नो पैड हो गया। क्या हो गया? नो पैड। तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड में अपने को नो पैड ढूंढने का था, तो नो पैड आ गया 195 करोड़। ओके, ये करोड़ में है, बाद में करोड़ डाल देंगे। इधर तक तो बेसिक हो गया अपना, नो पैड आ गया ना। तो कभी कभी एकदम घुमा फिरा के दिया जाएगा, उसको बड़ा स्टेटमेंट भी बनता है। तो फिलहाल शॉर्ट आउट वाला सम था, ताकि बेसिक से याद हो। अभी अपने को ना ये ढूंढने का कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढेंगे, फिर वेटेड एवरेज कैपिटल। तो कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्ट दिया 1000 करोड़। कितना दिया? 1000। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आता है? इक्विटी आता है और डिबेंचर आता है। क्या आता है? इक्विटी। और तो डायरेक्ट ये 1000 करोड़ दिया है, तो मैं 1000 डायरेक्ट इधर लिख दूंगा। दोनों मिला के क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। दोनों मिला के क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। इट इज गिवन टू अस, ओके, 1000 करोड़। इसलिए अपन ने डायरेक्ट क्या कर दिया? इधर लिख दिया। बट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं दिया ना, वो जो ये है। अब इसकी शुरुआत यहाँ से होती है, राइट। तो एकदम अच्छे से करेंगे। तो अपने को मालूम है कि अपने पास टोटल 1000 करोड़ है, 1000 करोड़ है। पर 1000 करोड़ में इक्विटी और डेब कितना, वो नहीं मालूम है। कंडीशन क्या दिया है? 1:4। क्या दिया है? मतलब डेब इक्विटी कितना? 1:4, मतलब डेब 1 है, इक्विटी 4 है। तो ये कितना ये है? 1000। ये 1:4 है, मतलब 1:4 को आप कैसे डिवाइड करेंगे? इधर लेंगे 1000, 1 और 4 कितना होता है? 5। 1 और 4 कितना होता है? तो डिवाइड बाय 5 करेंगे तो कितना है? 200। 200 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आएगा, और 200 को 4 से करेंगे तो कितना आएगा? 800 आएगा। मतलब 1000 में 200 करोड़ कर्जा है और 1000 में 800 करोड़ इक्विटी है, वो ये रेशियो से मालूम पड़ा है ना। तो मैं क्या करूँगा? इक्विटी में कितना लिखूंगा मालूम है? 800 करोड़। और डिबेंचर में कितना लिखूंगा? 200 करोड़। और दोनों मिला के 1000 करोड़ दिया था क्वेश्चन में, 1000 करोड़ क्वेश्चन में दिया था। तो ये अपना हो गया टोटल कैपिटल। अब इसका प्रोपोर्शन निकालेंगे, तो ये 1 होता है। प्रोपोर्शन कैसे आएगा? उसको वेट भी बोलते हैं आप, फर्स्ट ईयर में किए तुमने भूल गए। तो 800 को इससे डिवाइड करेंगे तो 0.8 आएगा। मतलब 800 को इक्विटी का अमाउंट को टोटल से डिवाइड करेंगे, किससे? टोटल से। तो ये अपना आ जाएगा 0.8। और 200 को डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो अपने हो जाएगा 0.2। इसका टोटल लेंगे तो 1 ही आएगा, राइट। अभी जो कॉस्ट ना, ये क्वेश्चन में दिया रहता है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी 18% दिया है। कितना दिया? इधर मैं 18 लिख दूंगा, कॉस्ट 18% दिया है। और कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कितना है? 15 मत लिखना, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी डायरेक्ट दिया है अपने को 18%, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर केडी की अदालत, तो केडी को सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसका फॉर्मूला क्या है? I(1 - t) आई मतलब इंटरेस्ट, आई बोला तो क्या है? तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर का कितना परसेंट दिया? इंटरेस्ट 15%। आई बोला तो इंटरेस्ट 1 - t, टी बोले तो टैक्स रेट, टी बोले तो टैक्स रेट 35% को बोलते हैं 0.35। क्या बोलेंगे? 0.35। तो अभी अपन क्या करेंगे? 15 लिखेंगे, 1 में से 0.35 माइनस करेगा 0.65। 15 को ये क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को इससे मल्टीप्लाई करने का था तो 9.75 है। तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अगर इधर ऐसा बोला था कॉस्ट ऑफ डिबेंचर आफ्टर टैक्स, तो डायरेक्ट उठा के वही लिखते हैं। तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर सॉल्व करना, अभी मैं फॉर्मूला रिवाइज कराने वाला हूँ, पहले सम तो बता दूँ क्या है। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या करूँगा? 9.75 × 0.2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 1.95 आया। और 18 को किससे किया? 0.8 से, तो 14.4 आया। अभी दोनों को ऐड कर दूंगा, दोनों को ऐड कर देंगे
तो वेटेड एवरेज कॉस्ट कितना है 16.35 वो यहाँ लिखने का, ये तुम्हारा वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो यहाँ लिखने का 16.35 परसेंटेज में लिखने का, राइट। तो हमारा प्रॉफिट कितना है कट पीट करके 1,95,00,000, जिसमें अपन ने कितना रुपया लगाया 1,000 करोड़। 1,000 करोड़ में खुद का भी पैसा है और उधारी भी है, और उसका कॉस्ट कितना 16.35। तो 1,000 पे 16.35 क्या डालेंगे परसेंटेज दबाएंगे, 163.5 करोड़ आएगा। अभी दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 195 अपना प्रॉफिट है और इतना अपना कॉस्ट है, मतलब इतना खर्च है अपना। तो जो बैलेंस बचेगा इतनी वैल्यू अपनी ऐड हुई है, मतलब मेरा खर्चा 163 करोड़ है और उससे ज़्यादा मेरे को आ रहा है, तो ये मेरा पैसा बच रहा है, तो इतनी वैल्यू मेरी ऐड हुई है। तो हमारी गाड़ी प्लस में मतलब प्रॉफिटेबल है, अच्छी जा रही है। अगर माइनस में भी आता ही है तो तुम्हारा लॉस रहेगा ना। तो सबसे पहले क्या है, ये फॉर्मूला याद करने का, अभी देखो सम ना उल्टा करने का, पहले क्या लिखेंगे ईवी है लिखेंगे, ईवी का फॉर्मूला क्या, नो पैट, क्या लिखेंगे नो पैट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फिर नो पैट कैसे आएगा तुमको, नो पैट को क्या निकालेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे नो पैट के लिए, तो सबसे पहले ईवीआईटी लिखने का, क्या लिखने का उस पर, तो क्या माइनस करने का टैक्स, तो क्या मिलेगा अपने को नो पैट, क्या मिलेगा, तो एक खेल हो गया। अभी कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्विटी रहेगा डिबेंचर रहेगा, इसका अमाउंट निकालना पड़ेगा। फिर वेट निकालेंगे, कॉस्ट दिया रहेगा, डिबेंचर का कॉस्ट नहीं दिया रहेगा, तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर ढूंढना पड़ेगा ना, आई इज इक्वल टू 1 माइनस टी, तो डिबेंचर का कॉस्ट मिलेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके आएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये इसको इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये जो टोटल है कैपिटल, हाँ, तो ये कितना था 1,000 था और ये कितना कॉस्ट, तो इन दोनों को क्या किया हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया ना यार, और इतना कम आया, तो ये खेल तुम्हारा खत्म हो गया। तो ये क्वेश्चन था तुम्हारा, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या था क्वेश्चन। तो ये अपन ने क्या सॉल्व किया, ईवी है, क्या सॉल्व किया इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, तो इसमें भी क्वेश्चन घुमा फिरा क्या आएगा, तो और भी सम सॉल्व करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला के हिसाब से हो गया। फिर एमवीए भी है, तो दोनों भाई है साथ में आते, 15 मार्क के लिए आएगा, है ना। थैंक यू।